एक ऐसा टाइगर जो 500 लोगों का शिकार किया, और ये टाइगर इतना खूंखार और इंटेलिजेंट था कि इसे आर्मी भी पकड़ने में असफल रहे। तो चलिए आज हम इसे आदमखोर टाइगर के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है शशिकांत। इस टाइगर की कहानी स्टार्ट होती है भारत के पड़ोसी देश नेपाल के पश्चिमी इलाकों से, जब 19वीं शताब्दी के अंत में एक बंगाल टाइग्रेस आदमी का शिकार करना शुरू कर दिया। इस टाइगर ने उस इलाके में इतना आतंक मचाया कि इसे मारने के लिए नेपाल सरकार को कहा गया। तब एक शिकारी टीम बनाई गई, लेकिन ये आदमखोर टाइगर शिकारी के चंगुल से बच निकला और चारों तरफ टाइगर ने अपना शिकार का खेल जारी रखा। टाइगर के इस हादसा को देखते हुए नेपाल की आर्मी को बुलाया गया, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक टाइगर को मारने के लिए किसी देश की आर्मी को बुलाया गया। लेकिन आदमखोर टाइगर ने आर्मी के ऊपर ही हमला कर दिया और बड़ी मुश्किल से आर्मी ने अपना जान बचाने में सफल हुए, और बहुत कोशिश करने के बाद नेपाल आर्मी ने इस आदमखोर टाइगर को नेपाल से भगाने में सफल रहे। तब तक ये आदमखोर टाइगर नेपाल के 200 लोगों का शिकार कर चुका था। इसके बाद इस टाइगर की एंट्री होती है इंडिया में। अब तक नेपाल सरकार ने इस टाइगर लाखों रुपया उड़ा चुके थे, और टाइगर ने अब तक जो भी दिखाया था यह सिर्फ एक ट्रेलर था, और अभी इस टाइगर की पूरी फिल्म बाकी है। जब नेपाल के आर्मी ने इस टाइगर को नेपाल से भगाया, तब यह टाइगर शारदा नदी के रास्ते इंडिया में प्रवेश करती है। शारदा नदी इंडिया और नेपाल को जोड़ने वाली एक नदी है। इस आदमखोर टाइगर ने एक दिन में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के तमिलनाडु राज्य के कुमाऊं जिले में प्रवेश करती है और चंपावत के आसपास के इलाका पर अपना कब्जा करती है और फिर आदमी का शिकार करना शुरू करती है। और इस आदमखोर टाइगर ने सबसे ज्यादा शिकार महिला और बच्चों को किया था, क्योंकि जंगल में जाकर पशुओं के लिए चारा लाना हो या फिर खाना बनाने के लिए लकड़ी, ज्यादातर ये काम घर की महिला और बच्चे ही करते हैं, और टाइगर के लिए महिला और बच्चों का शिकार करना आसान था। और टाइगर इतना इंटेलिजेंट था कि मालूम ही नहीं चलता था कि आदमी का शिकार एक टाइगर ने किया है। और चंपावत के लोगों को लगने लगा कि ये इलाका श्रापित हो चुका है, जब तक लोगों को मालूम चला कि यहां पर एक आदमखोर टाइगर आ चुकी है और ये आदमी का शिकार करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक इस आदमखोर टाइगर ने 435 लोगों को मार चुका था, और इस खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए उस समय के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को ब्रिटिश से बुलाया गया। और इस टाइगर ने आखिरी शिकार 16 वर्षीय महिला का किया था, जिसका नाम प्रेमिका देवी था। और जब जिम कॉर्बेट को मालूम चला कि इसने एक महिला का शिकार किया है, तब खून के निशान को देखते हुए बाघ का पीछा करना शुरू करते हैं और टाइगर के इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन टाइगर पहले से ही हमले करने के मूड में होता है और जिम कॉर्बेट पर हमला कर देता है, और जिम कॉर्बेट टाइगर के ऊपर 2 गोली चलाते हैं और बचकर भागने में सफल होते हैं। और इस टाइगर ने साबित कर दिया, इस इलाके का राजा मैं हूँ, यहाँ पर हमारी हुकूमत चलती है। तब जिम कॉर्बेट ने गॉम के साथ मिलकर 300 लोगों का एक टीम बनाया और जिम कॉर्बेट ने एक ऐसा जाल बिछाया कि टाइगर उस जाल में फंस गया। तब जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर पर गोली चलाई जो कि टाइगर के कंधे और सीने पर लगा, और टाइगर 6 फीट दूर नीचे गिरा। यानी 1907 में आदमखोर टाइगर मारा जाता है, और ये टाइगर चंपावत टाइगरेस के नाम से मशहूर होती है, जिसने 436 लोगों का शिकार किया था। लेकिन अभी तक एक रहस्य जानना बाकी था कि टाइगर आदमी का शिकार क्यों करता था। जब इस टाइगर का पोस्टमार्टम किया गया, तब मालूम चला कि टाइगर की दाएं ओर की नीचे और ऊपर की दांत टूटी हुई थी, जिसे जंगली जानवर का शिकार करना मुश्किल था। तब आदमी का ही शिकार करना शुरू किया, और इसके बाद ये टाइगर पूरी दुनिया में आदमखोर टाइगर के नाम से मशहूर हुई।